कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन जाहिर किया। यह पूरा कर्फ्यू है। मेरी हाथ जोड़ के सभी को विनम्र प्रार्थना है कि घर पे रहिए और देशभक्ति जताइए। देखिए, होता क्या है कि कोरोना वायरस जो है इसका संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, तो 5 से 15 दिन तक कुछ लक्षण दिखाई देते नहीं। तो अपने इलाके में कोरोना नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोरोना हुआ नहीं है। हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड है, वो कैरियर है, और हो सकता है कि 15 दिन के बाद में उसको लक्षण दिखाई देंगे। तब तक लोग मस्त घूम रहे, मिल रहे, और तभी भी किसी को लक्षण नहीं, ऐसा हो सकता है। तो यह मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इसका बाद में इन्फेक्शन एक बार चालू हो गया तो फिर उसका मल्टीप्लीकेशन होते रहता है, गुणाकार होते रहता है। तो भी हमारे देश में जब 2-3 केस निकले, 4 केस निकले, तो कुछ लगा नहीं हमको कि नहीं नहीं ठीक है, चलता है, कुछ नहीं होगा। मगर ऐसा करते करते कल 450 केसेस हमारे देश में पूरे निकल गए और प्रधानमंत्री जी को जाहिर करना पड़ा कि हमारा पूरा देश हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको थर्ड स्टेज में जाना नहीं है। देखो, जिंदगी में पहली बार मैंने ये देखा कि पूरी रेल यातायात बंद है, हवाई जहाज नेशनल इंटरनेशनल सब बंद कर दिए गए, आवागमन, मेट्रो, लोकल, बसेस सब पूरा बंद कर दिया गया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्योंकि यदि देखो ऐसा है कि यदि हम थर्ड स्टेज में जाते हैं तो जैसे भी आज के दिन हमारे पास में 450 केस है ना, तो थर्ड स्टेज में 450 × 450 हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 135 करोड़ लोग हैं हमारी आबादी है, अभी 135 करोड़ में से 10% लोगों को भी समझो इन्फेक्शन हो गया, तो 13.5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड रहेंगे, कैरियर रहेंगे, और 13.5 करोड़ लोगों में से 10%, मतलब 125 करोड़ लोगों को बीमारी हो गई कोरोना की, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ 125 करोड़ लोग, मतलब 1%, पूरे आबादी का 1% लोगों को भी यदि बीमारी हो गई, 13.5 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन है और 125 करोड़ लोगों को बीमारी है, 125 करोड़ में से सिर्फ 10%, 13 लाख लोग यदि सीरियस हो गए, तो यह हेल्थ सिस्टम हमारे उसके बाहर हो जाएगा, कंट्रोल के बाहर। हमारे देश में अंदाजन 1 से 1.25 लाख वेंटिलेटर्स है, 13 लाख लोगों के यदि वेंटिलेटर लगते हैं ना, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतने बेड्स हमारे पास नहीं, इतने डॉक्टर्स नहीं है, तो हमारे हेल्थ सिस्टम ये कोप भी नहीं कर सकेंगे इतने सारे लोगों को ट्रीटमेंट देना, सीरियस लोगों को ट्रीटमेंट देना। देखो इटली में क्या हुआ, एक 80 साल का बीमार है जो कोरोना वायरस है, और एक 30 साल का लड़का है। तो डॉक्टर लोगों ने क्या किया, डॉक्टरों ने देखा कि भाई 80 साल का एक्चुअली वो अपनी लाइफ गुजर चुका है, उसको बाजू में कर दिया और 30 साल के लड़के को ट्रीटमेंट किया। ऐसा भगवान करे हमारे देश में ऐसा ना हो कि भाई हम सिलेक्शन फिर करना पड़ेगा डॉक्टर लोगों को कि भाई कौन सा पेशेंट लेना कौन सा लेना नहीं। देखो उस दिन 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम जनता कर्फ्यू करेंगे, 5 बजे शाम को लोग घर के बाहर निकले, जत्था प्रोसेशन निकाली, जत्थे में बाहर निकले और सेलिब्रेशन कर रहे। हमने कोई कोरोना के ऊपर विजय हासिल नहीं किया था, काबू में नहीं लाया था, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का एक ब्रेन पैटर्न है, ये ब्रेन पैटर्न ऐसा है कि आदत पड़ी है, मतलब वो ब्रेन पैटर्न ऐसा कि आदत पड़ी है कि घर में नहीं रहना, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये आदत है और आदत से मजबूत है लोग। ये एक टाइप का मतलब बिहेवियर है लोगों का, अभी हमको वो तोड़ना पड़ेगा। अभी ये टाइम है देशभक्ति जताने का कि घर में रहना है, अपने आप को लक्ष्मण रेखा आखनी है घर के दरवाजे के ऊपर, उसके बाहर जाने का नहीं है, मिलना नहीं किससे, कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को हर घर में क्वारंटाइन कर लेंगे, हर घर में आइसोलेशन कर देंगे, तो कम से कम घर के घर में अंदर ही जो होगा वो होगा, घर के बाहर कोरोना जाएगा नहीं। तो इस तरह की हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी अभी हम काबू में, मतलब मेडिकल फैसिलिटी अभी सब कंट्रोल में कर रही है, मेडिकल फैसिलिटी है कि जितने लोग अभी बाधित है, ग्रस्त है, उनको अभी हम मेडिकल सेवाएं दे सक रहे हैं। एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन चालू हो गया ना, तो फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखो इटली में, चीन में क्या हो गया कि जो मेडिकल फैसिलिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा पेशेंट निकलने चालू हो गए और कंट्रोल के बाहर निकल गई सिचुएशन। अभी हमारे देश में फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, हम तीसरे चरण में जाने के पहले ही हमने लॉकडाउन कर लिया। वो बाकी कंट्री में क्या हो गया, तीसरे चरण में जाना, मल्टीप्लाई हो जाना, चालू हो जाना, उसके बाद में उन्होंने लॉकडाउन किया, हमने पहले लॉकडाउन कर लिया उनका देखकर। तो हम काफी खुशनसीब है, कंट्रोल में है। तो मेरे सभी को, सभी देशवासियों को ये नम्र विनंती है कि अपने अपने घर में रहिए, देशभक्ति जताइए, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई बाहर जाना आना नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ अपने आप को आइसोलेट कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और देशभक्ति बताने का अभी यही मौका है। 21 दिन हो सकता है कि 21 दिन ना लगे, हो सकता है कि जल्दी निकल जाएंगे ये हम फेज में से, हो सकता है कि ज़्यादा लगे, पता नहीं, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं
कितना कंट्रोल में आएगा, कब आएगा, मगर जैसा हमको जितने भी दिन आदेश आता है और वो आदेश का हम पालन करेंगे और देशभक्ति जताएंगे। थैंक यू वेरी मच।